अस्सलाम वालेकुम। ये रही ऐना। ऐना ने नाश्ता कर लिया है और इधर ये अपनी बिस्मिल्लाह वाली राइम्स देख रही है। और ये देखें, इसको नाश्ता करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें इसको किचन की देनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर इसको अपने टॉयज पसंद नहीं आ रहे होते, फिर किचन की चीज़ें इसको पसंद आती हैं। देखें स्पून। तो मैं ये ऐना को ना ऐसे नाश्ता करते हुए स्पेशली लगा के देती हूँ ताकि इसको पता चले। चले, अब ऐना ने तो अपना नाश्ता कर लिया, अब मैं भी अपना करती हूँ। और इससे पहले मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये यहाँ से हमने ये कैलेंडर जो है ये भी चेंज करना है, जनवरी स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये अम्ब्रेला जो है इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको बिना आज मैं निकालती हूँ क्योंकि सर्दी आ गई है ना। ऐना आ जाओ मामा वापस, बाद में चलेंगे, बाद में आ जाओ, पैक होके चलेंगे ना, अभी सर्दी है, आ जाओ जाना, आ जाओ, शाबाश, चले। इधर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ और ये काले चने मैंने फ्रीज करके रखे थे, लेकिन मैंने अभी निकाल दिए हैं क्योंकि शाम को ना मैं इसके राइस बनाऊंगी। शाम तक ना ये डीप रोस्ट हो जाएंगे आराम से। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज मैं आपको अमेरिका की और देसी लाइफ के जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताऊंगी, और ये इतने मजेदार डिफरेंस है कि आप लोगों का भी मजा आएगा सुन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला और मजे का जो डिफरेंस है वो ये कि देखें, ये है स्विच, लेकिन इसकी बात यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह हम ऑन करने के लिए नीचे करते हैं तो ऑन होता है और ऊपर करते हैं तो ऑफ होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। ऊपर करेंगे तो ऑन होगा और नीचे करेंगे तो ऑफ। अभी मैं ऑन कर देती हूँ। अब साथ ही पावर की बात हुई है, तो यहाँ की जो पावर है ना, यानी कि कितने वोल्ट्स की होती है, यहाँ पे 110 वोल्ट्स की होती है, और पाकिस्तान में यानी कि जो देसी कंट्रीज है वहां पे कितनी होती है, 220 वोल्ट्स की। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हैं ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री, स्पेशली देसी कंट्रीज में। तो आपको अपनी जो चीजें होती हैं यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको अपनी वोल्ट्स के हिसाब से लेके जाने पड़ते हैं। अब ये देखें, ये है सॉकेट, इसकी जो ये थ्री प्रॉन्ग्ड है ना, वैसे तो पाकिस्तान में भी अब जो स्टैंडर्ड साइज वो थ्री प्रॉन्ग्ड का ही आने लग गया है, लेकिन वहां या तो तीनों ही राउंड होते हैं या तीनों ही स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे इसके जो टू प्रॉन्ग्ड हैं वो स्क्वायर हैं और एक राउंड है, तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने डिस्टेंस जब काउंट करना होता है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे माइल्स में चेक करते हैं, लेकिन देसी कंट्रीज में क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर्स में चेक करते हैं। कभी हमने कहीं जाना होता है ना तो हम डिस्टेंस जब यानी कि जब हम अपना मैप लगाते हैं तो यहाँ पे माइल्स में आता है। तो मुझे अभी ना इतना ज्यादा पसंद नहीं है माइल्स, मैं स्टिल अभी तक किलोमीटर्स में ही देखती हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्स है ना वो रोड की राइट साइड पे चलती हैं, लेकिन यूके में और देसी कंट्रीज में जो कार्स हैं वो रोड की लेफ्ट साइड पे चलती हैं, क्योंकि उनके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं ना वो ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं। पाकिस्तान में जो लेफ्ट साइड पे चलने का जो सिस्टम है ना वो यूके से ही ट्रांसफर हुआ है। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है इस टाइम। अभी जो टेम्परेचर है वो 5 सेंटीग्रेड पे है, और फ़ारेनहाइट पे मुझे नहीं पता, आप लोग कन्वर्ट करके देख लें। तो यहाँ पे यही होता है, टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो मुझे अभी भी सेंटीग्रेड में देखने की आदत है। मेरे फोन में स्टिल अभी तक जो टेम्परेचर मैंने फिक्स किया हुआ है वेदर के लिए वो मैं सेंटीग्रेड में ही देखती हूँ। हमारे घर में सारे फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो जब किसी ने मुझे बताना होता है ना तो वो कन्वर्ट करके बताते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जब मैंने उनको बताना होता है तो मैं सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे यूएस में क्या है कि जो रेल लाइन है ना वो बहुत नैरो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तंग होती है, लेकिन अगर आप यही रेल लाइन देसी कंट्रीज में देखें तो वो इतनी वाइड होती है कि यूएस की जो ट्रेन है वो आराम से
देसियों की रेल लाइन में फिट आ सकती है, इनके इतनी ज्यादा वो वाइड चौड़ी होती है। डरे नहीं, मैं ऐसे कुछ अभी करने नहीं लगी, सिर्फ मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे लास्ट और बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, यानी कि अमेरिका में जो हैंड सॉ होता है वो कैसे यूज करते हैं। जब हमने इसको आगे की साइड पे करना होता है, मतलब जब हम इसको ऐसे पुश करेंगे और फिर हम बैक करेंगे, लेकिन देसी कंट्रीज में क्या होता है, जब हम इसको बैक साइड पे पुल करते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी है छोटा लेकिन बड़ा डिफरेंस है और थोड़ा सा खतरनाक डिफरेंस है, इसको मैं रख के आती हूँ। तो ये थे वो छोटे छोटे डिफरेंसेस जो अमेरिका में और देसी कंट्रीज की लाइफ डिफरेंसेस पे थे। तो कैसे लगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। अब अंदर चलते हैं, मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं डिफरेंस बताते बताते, अंदर चलते हैं। ऐना आपको लिखना आता है? इधर देखो, सबको दिखाओ ऐना कैसे लिखती है। अच्छा नहीं लेती ना, इधर आओ। ऐना को लग रहा है कि शायद ना मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। ऐना इधर दिखाओ ना, दिखाओ कैसे लिखती हो। अच्छा नहीं लेती, नहीं लेती, नहीं लेती। अच्छा आप लिख के खुद ही लिखो, खुद ही लिखो, चलो लिख लो आराम से। अरे माशाल्लाह, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा अच्छा भाग कर रही हो। माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से खाई भी है। और ये आप ऐसे नहीं कि कोई छोटा बच्चा उसको ही देनी है, कोई थोड़ा बड़ा बच्चा भी है ना, तो आप उसको भी, जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते उनको आप स्टीम करके दें। स्टीम करने के बाद बस आपने मैश कर देना, यानी कि हम ब्लेंड कर दें अच्छे से और फिर बच्चों को दें। इसका फ्लेवर भी इतना मजेदार होता है और ये एप्पल सॉस की तरह हो जाती है। रिमोट लेके चैनल चेंज करिए जी। तो अभी ना मैं ऐना को बाहर लेके आई हूँ। ये रही ऐना, जब इस तरह सो के जब उठती है ना तो वैसे तो मैं इसको खाना खिला देती हूँ, लेकिन आजकल ना इसको ऐसे बाहर आना भी पसंद है। सर्दी भी है, अब आप कह रहे होंगे कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब आप बच्चों को लेके नहीं आते ना बाहर, तब बच्चे बीमार होते हैं। अगर आप उनको रेगुलर बाहर लेके आएंगे तो उनको भी अच्छा लगता है और उनके अंदर ना डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये स्टेज होती है बच्चों में लर्निंग की। तो उनको बाहर लेके आएँ, उनको मौसम इंजॉय करने दें, लेकिन हाँ फुल कवर करके करो ना किक। शाबाश, किक करो, 1 2 3 शाबाश, गुड जॉब, शाबाश। हाँ जी, और किक, किक, शाबाश। मामा की बारी, अब मामा की बारी, किक। अब ऐना की बारी, ऐना किक, किक। मामा की बारी हो गई, अब आपकी बारी। अच्छा मामा की बारी, चलो फिर से मामा, किक, किक। ओ ओ, है ना, ये काम नहीं। फिर मामा ग्लव्स पहनाएंगी आपको। करने लगी हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। सुबह मैंने आपको दिखाया था ये जो काले चने, इनको मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए बाहर रखे थे, फिर ये दोपहर तक हो गए थे, फिर इनको मैंने फ्रिज में रख दिया और अब मैंने बाहर निकाल लिए। तो बस मैं राइस बनाऊंगी और साथ श्रिम्प है उनको मैं बेक करूंगी। फिर जब चीजें सारी डन होती है ना, फिर मैं आपको सारी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो बड़े सिंपल से राइस होते हैं, हर किसी को बनाने आते हैं और ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं।
ये है पॉपकॉर्न श्रीम जो मैं साथ बेक करने लगी हूँ। अभी ऐना को ना मैंने खाना खिलाया तो वो अपने ना टॉय वाले उसके पास बर्तन है छोटे छोटे तो वो उसके अंदर से वैसे ही कॉपी कर रही थी। इधर मैं क्लिप लगा देती हूँ तो ये आप देखें और इन्जॉय करें। जी तो अभी मैं आई हूँ बाहर, ये आप मेरी दूसरी स्क्रीन पे डेक का व्यू देख सकते हैं। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अम्ब्रेला है ना इसको निकाल के हमने रख के आना है यहाँ शेड के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स ये मैं अकेली नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना तो मैं उनके साथ उनकी हेल्प करवाऊंगी क्योंकि पूरी सर्दियां इस अम्ब्रेला का यहाँ पे कोई काम नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में शायद स्नो भी हो जाए तो ये खराब हो जाएगी। तो इसको हम रख देंगे कुछ मंथ्स के लिए इस शेड के अंदर। और जो राइस है वो मैं दम पे लगा के आ चुकी हूँ, बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं। मैंने सोचा मैं बाहर आके थोड़ी सी हवा लेती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ और फिर मैं अंदर जाऊंगी और बाकी जो एक दो काम रह गए हैं वो करूंगी। आप लोगों ने बताना है आप लोगों के घर में आज क्या क्या पका है। जी तो खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, एक दफा मैं आपको दिखा देती हूँ। गरम गरम धुएं निकल रहे हैं। ये रहे काले चने वाले राइस, ये रहे पॉपकॉर्न श्रिम्प, ये रहा सैलेड और ये रहा रायता। तो चलें ठीक है, अब मैं खाती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी खाना खा लिया है और बहुत ही मजेदार खाना बना। यहाँ पे करूंगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।